हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में डॉक्टर वैदेही। आज हम देखेंगे एक अलग सब्जी, दैट इज जिंजर, जो अदरक जिसे बोलते हैं हम, उसको उगाने और बहुत आसानी से आप घर पे उगा सकते हो। हाँ, एक चीज़ है, उसको एक ही पॉट लगता है, मतलब एक पॉट में एक ही प्लांट आएगा, बट आप सब तो जानते ही हैं मेरे चैनल की खासियत यही है कि हम कम समय में, कम जगह पे, कम पैसों में मैक्सिमम गार्डनिंग करते हैं, तो वही हम करेंगे यहाँ पे। जिंजर जो होता है, अदरक जो होता है, वो पॉट में मिट्टी के नीचे आता है, तो जो भी प्लांट में, जो भी पॉट में हम ऊपर सब्जियाँ उगाते हैं, उसी पॉट में हम नीचे सब्जी, नीचे अदरक लगाएंगे। अदरक लगाने का तरीका बहुत आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अदरक उगाने की जो कला है, स्किल है, ओके, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत आसान है अदरक उगाने, और कोई भी उगा सकता है। बस आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है, मैं सारे गाइडलाइंस वीडियो में दे दूंगी, उसको आप फॉलो करके आप आसानी से अदरक उगा सकते हो, प्रोवाइडेड आपके बालकनी में या कहीं पर भी धूप आती है। कम धूप आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी सनलाइट ज़्यादा हो बस, डायरेक्ट सनलाइट ना हो तो भी चले। आपको पॉट लेना है थोड़ा अच्छा वाला, क्योंकि नीचे अदरक आएगा, जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतने ज़्यादा अदरक आएगा। आप छोटे में भी लगाओगे तो छोटा अदरक आएगा। सेकेंड थिंग, आपको पानी देखना है, पानी कैसा देना है। ये प्लांट है, उसे पानी का मात्रा कितना होना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट बहुत डेलिकेट है जब मिट्टी में रहता है, तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो बने रहिए एंड तक। आपको क्या करना है, अदरक लेना है, मार्केट से ला के ले सकते हो, और उसको हल्दी के पानी में डालना है ताकि उसे कोई भी फंगी इन्फेक्शन ना लगे। हाँ, 2-3 घंटे के लिए रखना है, उसके बाद आप उसे निकालो और उसे क्या करो, मिट्टी में डाल दो। मिट्टी में डालने के बाद क्या होगा, उसको रखना है मिट्टी में, और उसके ऊपर मिट्टी डाल के रख देनी है। 15 दिन में आप देखोगे कि वो जो जिंजर है, अदरक है, उसमें क्या आ रहा है, धीरे धीरे छोटे छोटे पत्ते आ रहे हैं, घास जैसे आते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरती से। पॉटिंग मिक्स आपके अच्छी होनी चाहिए, पोरस ज़्यादा होनी चाहिए, सैंड होनी चाहिए उसमें, और कंपोस्ट होना चाहिए। ये देखिए, हम इसे पानी दे रहे हैं, GOT बोलते हैं इसे, अच्छे से देना है आपको पानी इसे, और पोरस होने की वजह से सारा पानी नीचे आ जाएगा, तो इस कदर से आपको मिट्टी को बनाए रखना है। इसमें नमी होनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारा पानी उसमें डालना है, तेज़ धूप में रखना है। अगर तेज़ धूप नहीं आती है तो बालकनी के साइड में जहाँ सनलाइट थोड़ी बहुत आती है वहाँ रख सकते हो। आप ये देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत है, ये 2 मंथ्स का है, और विद इन 7 to 8 मंथ्स आपका जिंजर थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाता है बनने का। अगेन डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, आप देख सकते हो एक इतना जिंजर डाला था कितना सारा आया है, पूरा का पूरा अपना पॉट भर गया है। अभी आपको ये जो लीव्स आते हैं ग्रीन कलर के, ये आप यूज़ कर सकते हो चाय में, इजीली आता है। अभी आपको क्या करना है, इसको सूख गए पत्ते, तो अभी समझ जाना है कि अभी आपको इसको निकालना है। आप इसे अच्छे से निकाल सकते हो, ऊपर के पत्तों को काट के कंपोस्ट में यूज़ कर सकते हो, फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ये अदरक देखो, अच्छे से आपको धोना है, इन रूट्स को काट के वापस आपको क्या करना है, मिट्टी में डालना है, ताकि न्यूट्रिशन पूरा का पूरा वापस मिट्टी में मिल जाए और मिट्टी की फर्टिलिटी अच्छे से बने रहे। ये सेकेंड स्लॉट है जो हम निकाल रहे हैं, देख सकते हो आप कितने अच्छे से अदरक आ रहा है, जितना भी अदरक डाला था उसके ऊपर सारे के सारे लूज आके उसकी साइज़ बढ़ गई है। सो ये मैजिक होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का और किचन गार्डनिंग बनाने का, खुद की उगाए हुए सब्जी खाने में जो मज़ा होता है। प्लस सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अदरक को आपको रेगुलर बेसिस पे फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हो या ऑर्गेनिक मैन्यूर दे सकते हो। आप देख सकते हो इतने से अदरक से हमें कितने बैचेस मिले हैं अदरक के, ठीक है। सो अब वक्त आता है अपने मैजिकल टिप का। तो पहली मैजिकल टिप ये है, आपको पता कैसे चलेगा आपका अदरक कंप्लीट हो गया है, फॉर्म हो गया है, तो जैसे ऊपर की पत्तियाँ पीली पड़ने लगे तो समझ जाने का नीचे अदरक फॉर्म हो गया। सेकेंड टिप, आपने देखा यहाँ पे हमने बहुत सारा अदरक लगाया, तो आपको इतना सारा अदरक लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जो मार्केट से अदरक लाते हो, अदरक के जो एंड्स आते हैं उसको हम बोलते हैं बल्ब्स, ओके, उन्हीं को थोड़ा सा काट के आप मिट्टी में डाल सकते हो, पूरा अदरक आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। वो इतने इतने से मिट्टी में छोटे छोटे ये भी डालते हो, ट्यूब्यूल्स भी डालते हो, तो अच्छे से
आपका अदरक आ जाएगा। ओके एंड ये जो आपने उगाया हुआ अदरक होता है ना, वो बहुत हेल्दी होता है, ऑर्गेनिकली हम उगाते हैं। इसी तरह से आप हल्दी भी ला के कर सकते हो। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। ज़रा भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और भी ऐसे वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। और ऐसे ही सब्जी उगाते रहिए, कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, मुझे पता है ड्रैगन फ्रूट पे मुझे कमेंट्स आया कि ड्रैगन फ्रूट के ऊपर एक वीडियो बना दो, मैं जल्दी बना दूँगी। एंड वेरी सॉरी, इस बार मैं वीडियो नहीं डाल पाई, मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, बट नाउ ओके एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू।